अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उकाड़ा दे कबूतर। दोस्तों आज जो है ना, आपको जितने भी तकरीबन बेबी पिजन लिखे हुए हैं 5-7, उन सब का शौक करवाऊंगा। ठीक है जी, इनके माँ बाप का तो तकरीबन मैं आपको शौक करवा चुका हूँ। ये माशाल्लाह बच्चा है जी, इसकी आँख चेक करें, वी आई साफ नहीं की वाइट आई इसका बनेगा जी। ठीक है जी, ये इसका पल्ला है और ये इसका दूसरा पल्ला है, ये इसकी दुम है जी। और जी ये इसके पंजे हैं, खुश्क और बारीक। और ये इस बच्चे की बनतर है जनाब। अभी दूसरे बच्चों का भी आपको शौक करवाता हूँ जी। दोस्तों ये एक और बच्चा है, ये थोड़ा सा चौकटोट पला है यार, दूसरा भाई इसका। मैंने वो 17 वनार में भिजवा दिया हुआ है उड़ने के लिए, ये थोड़ा सा चौकटोट था तो ये मैंने रोक लिया एक दफ़ा। ये इसका पल्ला है जी, ये इसका दूसरा पल्ला है और ये इसकी दुम है, ये इसके पंजे हैं जी और ये इसकी बनतर है। ठीक हो गया जी, अभी आपको अगले बच्चे का भी शो करवाता हूँ जी। फ्रेंड्स एक ये बच्चा है जी, काली आँख में, ये इसकी दूसरी आँख का शौक करें जी। और ये इसका पल्ला है जी, अभी 10वीं करनी भी पूरी नहीं हुई और एक पल्ला इसका ये है, दूसरा पल्ला। यार फ्रेंड्स, आप लोग जो है प्लीज़ चैनल को जो है ना सब्सक्राइब लाजमी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये इसके पंजे हैं जी माशाल्लाह, और ये इस बच्चे की बनता रहे। इस दफ़ा ज़्यादातर बच्चे जो है ना, मैंने एक एक ही पलवाए थे यार, जोड़ों में कुछ मसला आ रहा था तो इस वजह से जो है ना, अब आपको जो है अगला भी बच्चा का शो करवाता हूँ जी। दोस्तों एक ये बच्चा है जी, इसने भी आंख साफ नहीं की, ये इसके निशान भी हैं ज़रा इधर, लाल चिन्ना फिक्का सा बनेगा। और ये इसका पल्ला है, ये इसका दूसरा पल्ला है जी, ये इसकी दुम है जी। ये इसके पंजे हैं जी और ये इसकी मुकम्मल बनतर है जी माशाल्लाह। जी दोस्तों एक ये बच्चा है जी, ये इसकी आंख दूसरी है जी, ये चीना डब्बा है जी, चीना डब्बा सा बनेगा। ये इसके दूसरे पल्ले का शौक करें। ये इसकी दुम है जी और ये इसके पंजे हैं। ये इसका बनतर है जी, इसके इसके आपको दूसरे भाई का भी शो करवाता हूँ जी। जी फ्रेंड्स ये उसका दूसरा भाई है जी, आंखें भी नहीं साफ की यार इन्होंने, लेकिन इस जुमे जो है इंशाल्लाह ये भी भिजवा देने हैं। ये इसका पल्ला है जी, इसकी भी 10वीं करनी छोटी है। ये इसका दूसरे पल्ले का शौक करें। और ये जनाब इसके पंजे हैं, पंजे देखें माशाल्लाह, काले नाखून और बिल्कुल बारीक और खुश्क। ये इसकी मंतर है जनाब, इससे पहले जो दिखाया और ये दोनों बहन भाई हैं या जो भी हैं, एक ही झोल के हैं दोनों। अगले बच्चे का भी शौक कराता हूँ जी बाप। ये देखिए जी एक ये बच्चा, इसका कलर यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस बच्चे का। ये इसका पल्ला है जी माशाल्लाह, ये इसका दूसरा पल्ले का शौक करें, देखें जी कितना वसी पल्ला है इसका। ये इसकी दुम है और
ये इसके पंजे हैं जनाब, और ये इसकी बनता है। अभी जो मज़ीद आपको जो प्रोग्रेस चल रही है अंडों बच्चों की, वो उसका भी आपको जो है ना दिखाता हूँ जी। तो फ्रेंड्स अभी यार काफ़ी सारे जोड़े जो है ना मैंने वो तोड़ दिए हुए हैं, ऊपर छोड़ दिए जाल में, ठीक है, क्योंकि आपको भी नज़र आ रहा होगा कि अभी कबूतर जो है कम हो गए इधर, तो उसकी वजह यही है, ज़रा कबूतर थोड़ा सा मसला कर रहे थे, थोड़ा बीमारी की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा मैंने जोड़े कम कर दिए हैं। तो बाकी ये बच्चे बैठे हुए हैं जिनका आपको भी शौक करवाया है, एक जोड़ा जनाब ये अंडों पे बैठा हुआ है नर। मैं आपको जितने भी मेरे पास जोड़ों वाले कबूतर हैं तकरीबन आपको सबको सबका जो है ना शौक करवा चुका हूँ। दो बच्चे ये हैं जनाब, एक बच्चा माशाल्लाह से ये है, एक बच्चा वो पीछे खड़ा मादी फिर अंडों पे बैठी है, एक ये मादी अंडों पे बैठी है, एक इधर मादी अंडों पे बैठी है, ठीक है जी। एक ये नर बैठा हुआ है अंडों पे, और एक ये इधर नर बैठा हुआ है, ये भी अंडों पे बैठा हुआ है, एक ये मादा, लेकिन इसके नीचे मैंने खराब अंडा रखा हुआ है, इसके जो है अंडे मैंने फेर दिए थे, इसके मुझे ज़रा बच्चे चाहिए थे ज़्यादा, इस वजह से इसके जो है ना मैंने वो अंडे उठा के इस नर के नीचे रख दिए हैं, ठीक है। अब जैसे ही उधर बच्चे निकलेंगे तो मैं जो है इधर इसका जो अंडा ख़राब है उठा दूंगा। इस तरह यह है कि कबूतरी भी जो है अंडों से बंद नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, रेस्ट भी मिलता रहेगा, और बच्चे जो है जिस तरह दोबारा अंडे देगी वो भी इंशाल्लाह फेर देंगे। एक ये जोड़ा माशाल्लाह कबूतर अंडों पर बैठा हुआ है, और इसी तरह जी एक बच्चा ये है वो पीछे बैठा हुआ है, ये इस कबूतरी के बच्चे हैं दोनों, और ये फिर दोबारा मादा जो अंडे रख के बैठी हुई है। इसी तरह इधर है ये नर अंडों पे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह तीनों नर ही इस टाइम अंडों पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। ये अभी हैं, और ये दो जोड़े जो हैं मैंने तोड़े थे, दोबारा इन दो को जो है पेयर अप कर रहा हूँ, नर और मादियाँ बदली हैं दोनों मैंने, ये नर मादी भी बदला है, ये था तो पहले सिंगल ही, तो इसको अंदर जो है मैंने ये फट्टी लगवा के तो इसको जो है ये डबल पोर्शन कर दिया सिर्फ जोड़े लगाने के लिए, ठीक है जी। ओ शिट, अच्छा जी। तो अभी दोस्तों इसी तरह ऊपर चलता हूँ, ऊपर का भी आपको जो है सेटअप दिखाता हूँ, ठीक है, कि ऊपर जो कबूतर छोड़े हैं वो किस तरह हैं। अच्छा तो दोस्तों ये मैंने एक पानी बनाया हुआ है, सर्दियों को यूज़ करवाता हूँ मैं, अभी मेरे कबूतर को सुस्त पड़ गए थे उनको मैंने ये यूज़ करवाया है, तो माशाल्लाह काफ़ी रिज़ल्ट है इसका, इसके मुतालिक भी जो है आपको बताऊँगा मैं। बस आप जो है वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट किया करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है शेयर करें वीडियो को, कमेंट किया करें, ठीक है जनाब। ये ऊपर वाला सेटअप है ज़रा, ये बच्चा जो है कल शाम के टाइम उड़ा था, रात रह गया था, मीन्स के उड़ा तो शाम के टाइम ही था, लेकिन शुक्र है वापस आ गया। ये देखें, ये तकरीबन वही कबूतर हैं जो जिन दोस्तों ने वीडियो देखी होगी उनको तो पता होगा, ये मैंने सारे नीचे से ला के छोड़े हैं अब, ठीक है जी। अच्छा एक पेयर मेरे पास हाई फ्लायर भी है, अच्छा तो माशाल्लाह मेरी जो है ना काफ़ी ऊंची है, ठीक है, इधर से बिल्ली वगैरह कहीं से भी नहीं आती, तो ये जो 10-12 कबूतर हैं खुले रहते हैं वो आप चिड़ी मारी कह लो जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन एक ये हाई फ्लायर है मेरे पास, और एक मादा है, मादा अंडों पर बैठी हुई है, काफ़ी अच्छा जोड़ा है, ये भी जोड़ा ही पकड़ा था मैंने, छेड़छूड़ लगा के यार मैं कोई नहीं पकड़ता, इसी तरह खुद ही छत पर आओ जाते हैं। एक ये बच्चा आया था कल शाम के टाइम, ठीक है जनाब। ये हैं कुछ कबूतर,
अच्छा एक और बात दोस्तों, जो कबूतर आपका बीमार हो जाए ना, कोशिश किया करें अगर तो वो सर पर है ना तो उसको खुला छोड़ दें, मीन्स के जोड़ों वाला अगर लगा हुआ है फिर तो ठीक है, अगर जोड़ों वाला कोई कबूतर बीमार हो जाए नीचे केज वगैरह में। मैं तो यूँ ही करता हूँ कि यार जो उसको काट कर तो ऊपर छोड़ देता हूँ, बिल्कुल आज़ाद फिरता है ये दिन रात जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाई वगैरह भी साथ देता हूँ लेकिन ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाता है। अब ये जो है लाल चीना कबूतर ये वाला, ठीक है, ये कबूतर बिल्कुल एंड हो गया था, पोड़ जान था, नीचे से सूख चुका था बिल्कुल ही, तो इसको माशाल्लाह मैंने दवाई वगैरह भी दी है लेकिन पर काट के इसको मैंने छोड़ दिया ऊपर। अब देखिए माशाल्लाह आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन है। अब ज़रा इंशाल्लाह कोई महीना 2 महीने ठहर के यार जोड़े लगाऊंगा इनको मैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो आप सब दोस्त जो हैं, जितने भी दोस्त वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को, वीडियोस को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ।